आपको रोना नहीं है, हम लोग साथ में हैं, हमारे पास सारा कुछ है, हम आपके लिए लड़ेंगे। अरे हम हैं आपके साथ, हम वहाँ पे आपको भेजे ना एग्जाम देने के लिए, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा आपको, किसी को कुछ नहीं होगा। अरे उसी समय से हम लोग आपके साथ हैं। आपको कितने आदमी है? चार आदमी है। आप भी है वो वहाँ पे, वो साथ में है। इधर आइए बहन, इधर आप इधर आ जाए। आप राधेश्याम की वाइफ है? गेट बंद करवा दीजिए। सुनिए, द्वारा घसीट के हम लोग के सामने पीटते हुए हमारा ये फटा हुआ जो जो हुआ है आपके साथ मोबाइल कहाना है वीडियो करने लगे, इसके सहारा लेंगे तो फटाक दे मेरा ऐसे हाथ करके फूल जी के। कौन हाथ पकड़ा है? कौन पकड़ा है? कौन पकड़ा वाला था? उनके बेटा जी, हम चेहरा पहचानते हैं, चेहरा पहचानते हैं। हम पूरा ऐसे कर दिया है उसके बाद ऐसे। यहां पे कैसे लिखवाया जाएगा? वहां पुलिस मौजूद था कि नहीं? जी चेहरा मौजूद था। पुलिस को है बाबू, तो चेहरा पहचान लो जी। बोलिए कितनी बड़ी रंगदारी है, सारा गलती इन लोग के साथ करके और इन्हीं लोगों के प्रति इनके पति को जेल भेजने का भेजा गया। और आपको मैं बता बड़ी रंगदारी है, आपको बता दूं घटना स्थल पर मैं मौजूद था, मेरे आंखों के सामने ऑन कैमरा जो है इनके पति को मारा गया, थप्पड़ों से मारा गया, गाली दिया गया, माँ बहन की गाली दी गई। सबसे बड़ी साक्ष्य और कह रहे हैं हमको गाली दिया। बताइए जो आदमी चुपचाप पिटा रहा है वो आदमी गाली दे सकता है? अब बताइए इतने आदमी होकर हम लोग के बचाने के चक्कर में उनको हाथ लग गया है। जो उनको उस सबको छोड़ दो, हम ही को मार लो, हम खड़े हैं। ऐसे में देखा जा रहा है देश के जवान यानी कि सुरक्षा करते हैं हमारे देश के, उसके जवान के साथ पत्नी के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारे पत्रकार हैं, इनके इनके कैमरा घुमाइए। इनके साथ भी जितेंद्र ये अभी काफी बदतमीजी किया है। तू माता है थाना में, तू माता क्या बोला गया हो रहा है कि आप वीडियो काहे बनाए? और एक चीज और खुलासा करूंगा, कैमरा वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जब घसीट के ले गए ना, मेरे पास वीडियो प्रूफ है। मेरे वीडियो में गाली दे के मुझे भी बोला गया कि तुम वीडियो बना रहा है, तुझे भी देख लूंगा। धमकी दिया गया और मैंने बोला है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी और हम लोग लड़ेंगे। और अभी मैं कहूँगा चलिए थाने में, अभी चलिए थाने में। क्या नाम है जी? रोशनी कुमारी। घनश्याम आपके क्या लगता है? जीजू है मेरे। आपके जीजू है? आपका क्या नाम है? नीलम। आपका क्या लगता है? जीजू। बोले गाली फजत दिया है जो तुम वीडियो करेंगे, हम बोले हाँ करेंगे, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? हम बोले बस इतनी हिम्मत? तो छीन के फोन ऐसे बांध करके और हाथ भी चला है लो फोन तोड़ के, अब पता नहीं ले लिए। सिकड़ी भी था जी, जी। हम माला मतलब क्या चीज का सिकड़ी था? क्या चीज? सोने का। इनका मैरिज मतलब शादी हो चुका है तो ये लंबा जो हस्बैंड है किस तरह से आपके साथ क्या क्या हुआ? हाथ चला रहे थे तो हम आगे में आए तो ऐसे सीना पे इतना कस के मारे हैं जो हम गिर गए हैं वहाँ पर। नहीं, वहाँ पे जो पब्लिक थे लो तो वहाँ जी 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 पचासों की संख्या में वो लोग पुग चुके हैं। ये कौन लोग थे? मौलवी वाले जो होते हैं उससे सब एक ही जाति थे, जो हिंदू में थे वो छुड़ा रहे थे। हम लोगों को ऐसे ढक लिए, जो हिंदू थे हमारे वो हम लोगों को ऐसे ढक के हम लोगों को बचा है। और वो पूरा डंटे वंटे के साथ पूरा वो हम लोगों पर आ गए हैं। और वो जो थे दो आदमी, जो दो चार आदमी मेरे एक गार्जियन थे जीजू, उसको पकड़ लिया है लो और हम लोगों पर हम लोगों से बदतमीजी करने लगा है लो। प्रशासन आपको बीच बचाव नहीं किया है वहाँ पे? हाँ, नहीं पुलिस भी आई है तो उल्टे में मतलब मेरे जीजू तो उन्हीं को गाली देने लगी है जो साले यू डिस्चार्ज तुम बोलेगा ज्यादा पब्लिक ज्यादा संख्या में है, तुमको ये करेगी वो करेगी कुछ देगी ये करेगी डिस्चार्ज, जाओ जल्दी वो थाने पे चलो। स्थल पे आपके भाई के साथ भी बदतमीजी की गई थी? हाँ चलिए, मेरा छोटा भाई भी आज उस पे भी हाथ चला है जी। तुम के बॉडी से छेड़छाड़ भी हुआ है जी, ऐसे पकड़ा है जी, मतलब कॉलर पकड़ा गया है, देख लीजिए लड़कियों का कॉलर पकड़ा गया, बदन के साथ बदतमीजी की गई है। वो हाथ चला रहे थे तो हम गए हैं आगे तो ऐसे मार कर सीना पे हमको धक्का मार दिया। आपको सीने पे धक्का मारा गया है जी? मारे हैं तो उसके बाद वहाँ पे गिर गए हैं तो आए हैं लोग चार घाट वहाँ पे थे लोग जो टिप्पणी कर रहे थे लोग जो टिप्पणी कर रहे थे लोग
आप बोलिए क्या कर रही थी बताइए। हम लोग जितने लड़की थे तो बोल रहा था कि लड़की के लाओ खींच के मारेंगे, लड़की के लाओ पकड़ कर। मतलब पुलिस वाले नहीं बोला जा रहा कि लड़कियों को पकड़ के लाइए मारेंगे। अब तो रोना नहीं है, 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 रोना नहीं है। अपना फोन में जो फोन उनके पास छीना हुआ है जी, बेहोश हो गई थी, दांत लगे थे, पूरा गांव जो निकल चुका है तो उसका वीडियो, वो मेरे फोन जो छीना है उसमें है, उसमें है, छीन चुके हैं वो। आप फोन मतलब उनसे मांगिए और उसमें सब प्रूफ है। आप रोइए मत, आप लोग के साथ सारे लोग हैं, आप आपको रोना नहीं है बाबू, हम आपके साथ हैं, पूरे मीडिया आपके साथ है, आपको रोना है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोना नहीं है, रोना नहीं है, बताओ, बताइए आपके साथ क्या हुआ था, बताइए बाबू, बताओ, बताओ आपको क्या क्या हुआ आपके साथ, बोलो, बोलो, न्याय मिलेगा तुमको, तू काहे के लिए पढ़ रही है, रोना मत, बोलो, बोलो प्रशासन से क्या मांगना चाहती हो, आपको भाई को बचाना है कि नहीं अपने भाई को, तो बोलिए, हम लोग चार आदमी पे हैं, पूरा आदमी जो कर छोड़ाने तो हम लोग सब किसी के मारे हैं, हस्बैंड के मार रहे थे, तो वहाँ पे चार गार्ड जो डिप्टी कर रहे थे धक्का मार के हम लोग उठा दिए। प्रशासन ये कह रही है, कहा है कि तुम लोग चुप रहे कि नहीं, चार आदमी है बोला के कस के पिटवा देंगे, सबको जेल में ठूस देंगे, ये बात हम जब भी बोल रहे थे जी सर आप हैं और हम पे वो हाथ चलाया है, हम मतलब बार बार एक ही बात बोल रहे थे, तो बोल रहे हम हैं, तुम बोलेगी मतलब ऐसे, तो हमको डर लग रहा था, सही कर रहा था जी जी, जी मतलब कड़े आवाज में, कड़े आवाज में, कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा जो है लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है, करने के लिए इसके पति को ले जाकर जेल भेजने का संदेश दिया गया जी, उनका नियत इन बच्चियों के कर रही है, सब शर्म से नहीं बोलिए, हम अलग होकर रो रही है एग्जाम में से, बोलिए कि मानो हमारा एक नहीं सबका बॉडी का छूचा किया, डायरेक्ट बॉडी पकड़ के छूचा, ऐसे इंसान को चार बच्ची है चारों के द्वारा केस करके ये पॉक्सो एक्ट बनेगा, सब 14 साल की बच्ची है, और जिन लोगों के द्वारा प्रशासन के सामने छेड़छाड़ किया गया है उन लोगों को, और जितेंद्र जी जो खड़ा हो गई लड़कियों के शरीर से और मजाक कर रहे थे, हाँ, और उसके बाद ऑन कैमरा घसीटते हुए पीटते हुए इसके पति को ले जाके और उस आदमी को बुला के अंदर बैठा के रिपोर्ट लिखवा रहे थे, उनकी दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और लड़की के साथ जो घटियापन किए हैं इसका जवाब प्रशासन को और वहां की जनता को देनी पड़ेगा, सही बात है, नहीं नवेली दुल्हन, क्या गुनाह है, यही ना गुनाह था कि या तो हिंदू था सब, या तो कम था तो, और या तो आर्मी की पत्नी परिवार था, यही गुनाह है और कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं है, तो मैं प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हूँ, इंसाफ आपने लिए मांगिएगा, हमको इंसाफ चाहिए तो चाहिए, यानी जितेंद्र सिंह जो अभी है। आप जरा सा ध्यान दीजिए कि इन लोगों के साथ क्या किया गया, इन लोगों के साथ क्या किया गया, इस साल मतलब 17 तारीख को एक महीना हुआ है इनके शादी के, जो शादी में मंगलसूत्र होता है अभी वो पहनी हुई थी, कह सकते हैं कि देख सकते हैं, देखिए मंगलसूत्र भी यहाँ पे छीन लिया गया है इनके, ये बताइए कि अभी नई नवील दुल्हन, एक महीना की शादी बताइए, एक महीना की शादी और इनके प्रतिष्ठा से मान सम्मान से, ये मनहानी का मामला है। दूसरी बात कि प्रशासन के द्वारा ही इन लोगों के साथ बदतमीजी किया और करवाया गया है, और अभी एक आर्मी मैन को माँ बेटी बहन रोटी करके रोड पे घसी, बोलिए कितनी बड़ी रंगदारी है, सारा गलती इन लोगों के साथ करके और इन्हीं लोगों के प्रति इनके पति को जेल भेजने का षड्यंत्र, कितनी बड़ी रंगदारी है, आपको बता दूं घटनास्थल पर मैं मौजूद था, मेरे आंखों के सामने ऑन कैमरा जो है इनके पति को मारा गया, थप्पड़ों से मारा गया, गाली दिया गया, माँ बहन की गाली दी गई, सबसे बड़ी साक्ष्य, और कह रहे हैं हमको गाली दिया, बताइए जो आदमी चुपचाप पिटा रहा है वो आदमी गाली दे सकता है, अब बताइए इतने आदमी होकर हम लोग के बचाने के चक्कर में उनको हाथ लग गया, जो उनको उस सबको छोड़ दो, हम ही को मार लो, हम खड़े हैं, ऐसे में देखा जा रहा है देश के जवान यानी कि सुरक्षा करते हैं हमारे देश के, उसके जवान के साथ पत्नी के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया, और ये हमारे
हमारे पत्रकार हैं, इनके इनके कैमरा घुमाइए, इनके साथ भी जितेंद्र अभी काफी बदतमीजी किया है। तू माता है, तू माता क्या बोला गया कि आप वीडियो काहे बनाए? और एक चीज और खुलासा करूंगा, कैमरा वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जब घसीट के ले गए ना, मेरे पास वीडियो प्रूफ है। मेरे वीडियो में गाली देके मुझे भी बोला गया कि तुम वीडियो बना रहा है, तुझे भी देख लूंगा। तो धमकी दिया गया और मैंने बोला है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी और हम लोग लड़ेंगे। और अभी मैं कहूंगा चलिए थाने में, अभी चलिए थाने में। मैं एसपी साहब से मांग करूंगी, या एक आर्मी के सम्मान में, एक बच्चियों के सम्मान में जिस तरीके से अपमान हुआ है, इसका इज्जत कैसे इन लोगों के द्वारा बेइज्जत किया गया है और कैसे इन लोगों का इज्जत रिटर्न किया जाएगा? मैं जिला कप्तान से मांग करती हूं कि कड़ी जांच कर कर और कड़ी कार्रवाई करें, ताकि हमारे महिला और बच्चियों के सम्मान के लिए इन लोगों के सम्मान पे ठेस ना पहुंचे। और एक आर्मी को, इन लोगों को बचाने में जो पनिशमेंट दिया गया है, हद से ज्यादा पनिशमेंट उस जितेंद्र को होना चाहिए जिनके द्वारा इतना घटिया अंजाम हमारे बच्चियों और इन आर्मी, इनके पेरेंट्स आर्मी मैन को दिया गया। तो अभी चलिए थाने में, चलिए थाने में, चलिए थाने में, चलिए थाने में, आप चलिएगा, चलिए थाने में, चलिए। पूरे लड़कियों के साथ जो है थाने में जा रहे हैं और वहां जाकर जो है घनश्याम को बाइज्जत बलि कराने की पूरी मांग किया जाएगा, पूरी मांग किया जाएगा कि जिस प्रकार से घनश्याम के साथ बदतमीजी की गई है उसको माफी मांगते हुए बाइज्जत बलि किया जाए। 14 साल की लड़की है, चलिए एग्जाम देने आपके भाई को निकालेंगे हम लोग, आपको डरना नहीं है। अब लेके जाना है, आज आपके भाई को निकाल, जीजू को निकालना है कि नहीं? जी हम निकलेंगे, जब तक नहीं निकलेंगे हम नहीं जाएंगे। अभी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, क्या नाम है बाबू आपका? रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी घनश्याम की साली हुई और ये जो है अपने जीजा को छुड़ाने के लिए जेल में जा रहे हैं, और हम लोग जेल में जाएंगे रसौल थाने के दरवाजे पे। आंदोलन करना हो तो किया जाएगा, लेकिन घनश्याम आर्मी जवान को बाहर निकाला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि इनके आंख से आंसू रुक नहीं पा रहे हैं, और ये सारा काम, ये सारा चीज 1 महीने हो गया। कितना दिन हुआ शादी का? 1 महीना हुआ है, 17 तारीख। आपको रोना नहीं, आपको रोना नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। 2023 जनवरी, इसी जनवरी नया नया शादी हुआ और इनके पति को जेल में डाल दिया गया है, और इनके पति को छेड़छाड़ कर दिया गया है। आर्मी जवान होने के बावजूद बेरामी से दौड़ा दौड़ा के मारा गया सर, मेरे आंखों के सामने दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। लड़कियों के साथ जो छेड़खानी हुआ, इसके पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? चलिए चलिए निकाला जाएगा, सारा बच्ची सबके नहीं भेज पाएगा उस सर, चलिए नहीं जाएंगे, अरे नहीं जाएंगे, चलिए वो लोग डर रहा है लोग, चलिए डर गए हैं, आपको डरना नहीं है, वो लोग डरा हुआ है, आपको डरना नहीं है, आपको नहीं डरना है, आपको नहीं डरना है, छोड़ देगा लो, छोड़ देगा लो, चलिए ना, ये लोग डर रहे हैं, आर्मी जवान को पुलिस थाना जेल में भेजा, आप डर रहे हैं,
क्या हुआ? अरे पापा ये कह रहे हैं कि जेल में मत जाइयो, नहीं छोड़ेगा, ये डर रहे हैं। छोड़ दी लगा ना, ना 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 जाएंगे रुला, एक मन बढ़ जाएगा, मन बढ़ जाएगा, नहीं जल जाने दिया, चलिए आपके साथ हो, सबके साथ होगा, छोड़ा दिया जाएगा, छोड़ा दिया जाएगा, छोड़ा जाएगा। घर में क्यों है आप करिए मत, हम लोग हैं। हम तुम्हारे साथ में हैं। चलिए 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 आप लोगों को थाने में नहीं जाना है, आप लोगों को थाने में नहीं जाना, ठीक? थाने में नहीं जाना, कैसे आप रोने नहीं बाबू, हम आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए हैं। आपके हस्बैंड को आज निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, गेट पर चलिए, अंदर मत जाइएगा, अंदर नहीं जाना आप लोगों को। मदद करेगा बेटी के जाने। अच्छा चलिए चलिए, आप हम लोग आपके साथ हैं, चलो चूचा रहे। अरे माइक हटा दीजिए, माइक हटा दीजिए, तू अंदर मार रहा होगा, आपको अंदर मार रहा होगा।